नमस्ते मुशराय, नमस्ते भगवत कथा श्रवण विपाश सज्जन बृंद मातृवृंद और जितना भक्त वृंद है सबको मैं जथा यज्ञ अभिवादन करता हूँ। सबको की प्रसन्नता प्रार्थना करता हमारा परमारत्य श्री गुरुदेव दिल्ली में अरविंद जिला का नाम किया और स्थान वहाँ पंचायती धर्मशाला है, वहाँ हम लोग ठहरते भी थे और रामनाथ प्रभु जी का घर में भी ठहरते, जगह जगह भी ठहरते। प्रचार हुआ तो गुरु जी प्रचार करते, उससे पहाड़गंज अलगा का भक्तों के साथ मठ का संबंध। बाद में यहाँ पर वृंदावन मठ से वृंदवानी गौड़ीय मठ से गोकुल महावन मठ से भक्त लोग आते थे साधु। वहाँ पर तो धाम में अनुकूल नहीं मिलेगा, अनुकूल प्राप्ति करने के लिए आदमी धर्मशाला में ठहरते थे। हमारा पुरी महाराज नहीं आया, वो अभी वृंदावन में आए, पहले हम लोग का साथ घूमते थे। विद्वादी जन संघ से भक्ति प्रसाद पुरी महाराज वो भी प्रचार में उनका बहुत उत्साह था। पहले पंजाब का शरीर है, पंजाब में बोलना आता था प्रचार। यहाँ पर हम लोग एक स्थान किराया लेने के लिए बोला था, उनका जब किराया सुविधा हो जाती तो लेने पड़ेगा, खरीद करके ले। जब हम यहाँ नहीं रहेंगे बेच के चले जाएंगे। रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर यहाँ पर बहुत होगा, किसी का माध्यम से स्थान लिया इधर हम लोग थे। बाहर में तो रामचम किया, भीतर में जब प्रवेश के दिखा जो बिल्डिंग का जान नहीं है हिलता है, वहाँ से प्रचार शुरू किया। और हम लोग का एक इच्छा थी कोई स्थान पर दिल्ली का कोई जगह में करेंगे, इसलिए विशेष विशेष व्यक्ति का सहायता लिया, विशेष रूप से कहते जैसे रंगराज मिश्रा और वो जगह मिल जाए, मिल जाएगा। बाद में मिला ही नहीं तो मैं कहा पासी साहब जो है इंजीनियर उनसे बातचीत किया, यहाँ से हम लोग को दूसरे स्थान पर नहीं लेंगे, ये भक्त इतना है सब स्टेशन पर जाते आते हैं करते बहुत सेवा करते हैं, इसलिए यहाँ ही करो जो कुछ हो जाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर रूप से छोटा जगह में सुंदर कर दिया चार मंदिर, उनकी इच्छा बगैर कोई काम नहीं होता।
यहाँ ही रहेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे नहीं। और पीछे में हमारा भगवान राधा श्याम सुंदर का गुरु गौरंग श्याम सुंदर का हमारा गुरु जी है, गुरु जी पीछे में आए। यहाँ पर स्थान ले लिया, इसमें भी पासी साहब है और हमारा जो मटका है प्रेमचंद, ये बहुत मेहनत किया यहाँ पर। जो हाईकोर्ट के जस्टिस मूर्ति रामामूर्ति बहुत उनका निष्कम भाव है, और इतना है आप लोग जानते हैं, हमारा स्वरूप दामोदर दास और श्याम सुंदर रामदास जी के, वो बहुत इसमें ध्यान देके इसको प्रकाश किया। और विग्रह प्रतिष्ठा भी सुंदर रूप से संपन्न हो गया, गुरु गौरव राधा श्याम सुंदर अभी हर एक मंदिर में मूल विग्रह वो अचल होता है, घर में तो होता ही है, और चौल होता है जो विजय विग्रह, झूलन में भी जरूर पड़ता है, फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी अभिषेक में, इसलिए विजय विग्रह का साथ, विजय विग्रह पहले ही था वहाँ पर, मूल विग्रह भी है वो अचल है, अचल भी है। तो संकीर्तन सुमित्र होगा भी थोड़ा विग्रह जाएगा, सुंदर रूप से हुआ। भगवान और क्या बताए, प्रकट हो गया, जिसे मैं आप लोग श्रवण किया। अभी मेरा अंदर में काम है, आत्मेंद्र प्रदीवान चतारे बोली काम, भक्त भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, करने के दुख करेंगे सेवा दान करने के लिए प्रकट हुआ, और इतना मूर्ति रूप से प्रकट हुआ, साक्षात भगवान है। जहाँ प्रकट होता है शुद्ध भक्तों की इच्छा से, अशुद्ध भक्तों का सेवा से, वहाँ पर धाम बन जाता है। धाम तो हस्तिनापुर आई, इसलिए पंडव है। आपको जैसे व्यास मुनि आखिर में भागवत लिखा, महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखा, वेदांत लिखा, लेकिन उनको अवलंबन करके सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। आज सुखदेव गोस्वामी पांडव वंश में जो है परीक्षित महाराज को भागवत सुना, युधिष्ठिर महाराज विदुर दासी पुत्र, तो वैष्णव जी का अवलंबन करके प्रकट हुआ। ये सबका साथ संबंध है, ऐसा कि कर्म वन में हम लोग देखेंगे पांडव का, और जगह में राधा कुंड उसको काटा नहीं, संबंध है। इसलिए पंच पांडव का भी प्रकाश हुआ भगवान का, पंत प्रिय पार्षद उनको अवलंबन करके, पांडु को अवलंबन कर पांडव गुरु
धृतराष्ट्र आदि सब यहाँ पर कृष्ण दैवन वेद व्यास पराशर ऋषि सत्यवती का अवलंबन करके प्रकाश कृष्णदेवन वेद व्यास पराशर ऋषि अभी वही आविभूत होकर उन्होंने वेद विभाग किया और जो दीप में आविर्भाव उसके कृष्ण दीप कहते इसलिए कृष्ण दैवन वेद व्यास वेद को विभाग किया इस धर्म विभाग किया इसलिए कृष्ण दैवन वेद व्यास सत्यालीस वही कृष्णदेवन वेद व्यास मुनि की योग बल से संजय का इसे शक्ति दिया उनका ही ओरट जाता धृतराष्ट्र उनको सारा कुरुक्षेत्र का लड़ाई दिखाया और जब लड़ाई का बाद जितना कुरु सन्न जितना कुरु कौरव लोग का मृत्यु हुआ अपने योग प्रभाव से सबको मृत्यु का बाद भी उनका रिश्तेदार को दिखाया महाभारत जी का गणेश गणपति को गणपति कहते तो मैं लिखूंगा लेकिन आप जब बोलने के लिए बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूँगा बंद करेंगे तो बंद तो वेद व्यास मुनि कहते आपको चिंता करके लिखना हम जो बोला बोलेगा उसको चिंता करके लिखना श्लोक कोई व्यास कूट कहते तो चिंता करके ऐसा कूट जल्दी से अर्थ मालूम नहीं होने से लिखना नहीं उसका थोड़ा समय लगता है इसका क्या उस समय ऐसा करके महाभारत लिखा महाभारत अंतर्गत गीता लिखा फिर उनको शांति नहीं मिला आखिर में नारद गोस्वामी के बद्रिकाश्रम ने वहाँ का कृष्ण की भागवत मिला पहले सुखदेव को सुनाया सुखदेव परीक्षित महाराज को सुनाया परीक्षित महाराज सब वहाँ पर महात्मा लोग सब गए थे जैसे कि परशुराम अगस्त ऋषि जो सागर पान किया और सब राजन्य वर्ग है सब है लाखों के तादाद में गंगा जी के किनारे पर लेकिन एकांत स्थान कोई कुछ रास्ता बताते कोई कुछ रास्ता तो अब परीक्षित महाराज कृष्ण को याद किया पांडव आपका प्रिय है पांडव वंश मेरा जन्म है कोई कहते दान करो कोई कहे यज्ञ करो कोई कहे ऐसा कुछ बहुत ही का बात मेरा अभी सिर बिगड़ गया आप मुझे रास्ता दिखाइए तब सुखदेव कृष्ण को वहाँ भेजा सुखदेव कृष्ण से परीक्षित महाराज सात दिन सात रात्रि सवर किया आधा घंटा एक घंटा नहीं खाया नहीं पिया नहीं जो कई वक्त मृत्यु हो सकता है ऐसा कि उदय गोस्वामी बोला महाराज अब जरा से विश्राम लीजिए उस पानी पी लीजिए खाना खा लीजिए नहीं तो आपका शरीर दुबला हो जाएगा तब कहते नई सावजी दुष्य कुंभ मांग त्यक्त भूख का सहन करना बहुत कठिन है प्यास का सहन करना बहुत कठिन है मेरा कोई कष्ट नहीं दुष्य
और मैं विश्राम नहीं कर रहा हूँ उसमें कोई, सामना में मृत्यु है, सामना में मृत्यु होने से सब भगवान का भजन करने को आता है। परीक्षित महाराज ब्रह्म शाप ग्रस्त हो गए, उनका विचार हुआ और नहीं रहेगी, जन्मजय को देख के आ गया। लेकिन मैं जानता हूँ जब कुछ भी आए हॉस्टल में था इंटीरियर कॉलेज, तब चेतावनी भविष्यवाणी किया कि फलाना टाइम में प्रलय होगा, उस वक्त मैं वहाँ पर था, सब ध्वंस हो जाएगा, सब कहते इनका बात जो कुछ था। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सब उसका अंदर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ समोसा मिलता है, मिठाई मिलता है, सब मिलता है। तो पिता भाई साहब ऐसा रुपया दिया, ऐसे फजल की हो जाए, वहाँ जाके खा लेते हैं, कोई नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, उनका तो वोट ज़्यादा है, उसको भी ले गया, सबको ले गया, समोसा ले आओ, ऐसा ले आओ, ऐसा ले आओ। वो देखा दुकानदार एक चिता पैसा हम डाले, खाते खाते इतना खा लिया, और कितना खाएंगे बोले, अभी तो और नहीं खा सकते। तो ऊपर आके हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रलय के लिए, प्रलय हुआ ही नहीं, फिर क्या हो गया, एक आदमी सो गया खटिया में, क्योंकि सपन देखा, सपन देख के और दौड़ लगे, प्रलय प्रलय आई, सपन देखा है अभी गिर जाएगा, दो मंजिल से गिर जाने से मारकर पकड़ पकड़, कहाँ प्रलय 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 कहाँ प्रलय, अभी भी हमें याद आए, सब प्रलय हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, तब भी भजन नहीं करेंगे। तो भजन किया, इसलिए परीक्षित महाराज का संबंध है, पांडवों का संबंध है, कृष्ण बलराम कितना तो हस्तिनापुर में आया, इसीलिए इस स्थान पर साक्षात भगवान प्रकट होके बात नहीं करता, कोई भक्त से करेगा मेरा से नहीं, बात नहीं करता है और चुपचाप रहते, सबको सेवा का मौका दिया, जो भगवान का पाद पद्म स्पर्श से, भगवान के सिंह स्पर्श से, भगवान को स्नान करना, खिलाना ये करना, इसमें जैसे बच्चों को माता जी करते, इसका जो भाव है कृष्ण में गौरांग, ये जो गौरांग का आविर्भाव है कृष्ण का, ये वैशिष्ट्य है। अभी वैवस्वर मन्वंतर चल रहा है, वैवस्वर मन्वंतर चौदह मन्वंतर के अंदर में सप्तम मन्वंतर, ये वैवस्वर मन्वंतर में अष्टाविंश चतुर्युग में ब्रह्म का एक दिन में नंदनंदन कृष्ण आते हैं। इसका पिछली का जो द्वापर युग है वही युग में नंदनंदन कृष्ण आया, अपना पार्षद दे के आया, हर किस्म का प्रेम, मुख्य रूप से पंच मुख्य सप्त गौण बारह रस, उनका आराध्य देव कृष्ण अपना पार्षद का साथ निधार दिया, लेकिन बाहर किसी को नहीं दिया। उसका बाद वही कृष्ण अष्टमी चतुर्थी की दापर शेषे महाप्र चैतन्य चरिता मृत में लिखा है, ब्रजेश कृष्ण प्रकाश, ब्रज धाम का साथ कृष्ण का
चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान। चिरकाल का मतलब एक जो दिन है ब्रह्मा का वो आप गणना नहीं कर सकते। अभी तो सप्तम मन्वंतर उसका भी आधा भी नहीं गया है, कत्तर चतुर्थी ये सब जाएगा, फिर कब आएगा, इसलिए बहुत समय चिरकाल लग गया। प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत नहीं अवस्थान। सकल जगत करे बोले विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। ब्रज का भाव जो है विधि भक्ति से नहीं मिलता है। एक हम लोग का सौभाग्य है कि विशेष कलियुग में हम लोग आ गया, ये हम लोग को चिंता करना चाहिए। साधारण सौभाग्य नहीं है। द्वापर युग में आने से भी हर को बाहर का आदमी को नहीं दिया, लेकिन कलि युग में नंदनंदन कृष्ण आदरणी का भाव और कांति लेके प्रकट हुआ अपना माधुर्य दर्शन करने के लिए। मेरा अंदर में क्या माधुर्य है जो देख कर आदरणी का इतना होता है, इतना उदारा भाव होता है माधुर्य दर्शन करने के लिए। उसका प्रेम का विकार क्या होता है, क्या शुभ होता है, इसलिए प्रकट हुआ। और राधारानी सबसे उदार है, राधारानी कृष्ण का आराध्य स्वरूप। हमारा गुरु जी कहते थे स्वरूप शक्ति रूप तरह अवस्थान जब लिखा हुआ है ना, स्वरूप में अशक्ति रूप में अवस्थान, उसको इंग्लिश में कहते प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द माइटी, प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द माइटी। एक ही राधा कृष्ण लेके एक है, आराध्य होता है राधा कृष्ण, आराध्य होता है लक्ष्मी नारायण, आराध्य होता है सीताराम, सिर्फ राम जी। सूरज को हम देखेंगे रोशनी को छोड़ के देखा जाएगा, रोशनी का माध्यम से देखा जाएगा। सूरज जब उदित होगा आँख खोल के सूरज का रोशनी लेने पड़ेगा, आँख बंद करके दर्जा बंद करके कहाँ कहाँ सूरज की पैर नहीं किया, एक कपड़ता है। इसलिए आँख खोल के वो कृपा लेने पड़ेगा, आओ दर्जा कपाट जैसा खोल देने पड़ेगा, रोशनी आएगा उसका बाद सूरज को देखेंगे, अपना देखेंगे, सब वस्तु देखेंगे। ये कि हमारा स्वामी महाराज गीता के एक श्लोक को व्याख्या किया, वन हु इज एनलाइटन एनलाइटन विद द नॉलेज बाय द इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड, देन ही इज नॉलेज रिवील्स एवरीथिंग, स्टैंडर्ड लाइट्स ऑफ एवरीथिंग एट दैट टाइम। यहाँ पर जो नॉलेज है इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं, ये तो भगवान का अपरा प्रकृति का हिस्सा है, सेल्फ एफल्जेंट नॉलेज। स्वयं प्रकाश हुआ ये अभी बाहरगंज का पंचम महोदय का विकार का स्थान नहीं है, न्यू दिल्ली का विकार का स्थान नहीं है। जहाँ पर शुद्ध भक्त का आराध्य देव आते हैं वो भी धाम बन जाता है। बाहर में हमारा परम गुरु जी भगभद्र गौरी मठ में था, तो उसको कोलिकाता कहते थे, परम गुरु जी कहते थे कि हम कोलिका स्थान कोलकाता में नहीं रहते, बाहर में कोलकाता में रहते, कहते हम नहीं रहते। इसलिए उनका जो आराध्य देव राधा कृष्ण महाप्रभु वो धाम का साथ वहाँ है, ऐसा देख रहा है, सेवा देने के लिए मौका दिया। जितना सेवा करेंगे सेवकों के साथ संबंध होगा। भगवान परमानंदमय स्वरूप है, वो चैतन्य चरितमृत में लिखा
वहाँ पर जुगधर्म प्रवर्तता ही नाम संकीर्तन चारी बाप भक्ति दे नाचा मु भगवान बांगला जुगधर्म प्रवर्तन मैं नाम संकीर्तन प्रवर्तन करूँगा चारी भाव दैश्य शक वात्सल्य मधु सारा पृथ्वी का आदमी को नाचाऊंगा। गौर नित्यानंद असुर को संहार नहीं किया इसलिए प्रच्छन्न अवतार कहते असुर का आसुरिक विचार को नाश किया जगाई माधे का आसुरिक विचार का नाश किया उनको नाश नहीं किया अवलीला में असुर का नाश किया ये प्रच्छन्न अवतार में नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ये चारी भाव भक्ति है नाचा मुँह हुआ भक्त भाव अंगीकार करी निज आचरण करी करके मैं शिक्षा देना भक्त भाव स्वयं जब अमल नहीं करेंगे आदमी शिक्षा कैसे करेगा। स्वयं नंदन कृष्ण स्वयं भगवान ही है लेकिन भक्त भाव लेके उन्होंने स्वयं अमल करके शिक्षा दिया आपने करी वो भक्त भाव अंगीकार अपने आचरी भक्ति सिखा मु सवाल बांग्ला समझ में आता है कि नहीं। आपने ना कोई धर्म सीखा ना जाए आप तो सीरियस करते थे समझ लिया ठीक है। ये स्वयं आचर अमल नहीं करने से शिक्षा नहीं होता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त भाव लेके मूल कारण अपना माधुर्य श्रदन किया राधा भाव विभावित होकर और स्वयं अमल करके शिक्षा दिया सबको ही प्रेम दिया युगधर्म प्रवर्तन है अंश होते हम अभी अन्य नारे ब्रज प्रेम क्या माना युगधर्म प्रवर्तन आप तो देहरादून का बंगला जानता है वो लोग नहीं जानते युगधर्म प्रवर्तन है अंश होते भगवान का अंश जो है विष्णु युगधर्म प्रवर्तन कर सकता है लेकिन स्वयं भगवान जो नंदनंदन कृष्ण इतने जो अंश कृष्ण भगवान स्वयं जिनकी भगवत से आपकी भगवत वो चलते कोई कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता है। तो आपन भक्त संगे पृथ्वी अवती करबू नाना रंग यत भाव ही कलिकाले प्रथम सन्ध्या